आज हमें तुम्हारे क्लास थ्री व्याकरण पढ़ाब। आगे हमें ध्वनि वर्णटा कि दी तर पदा पढ़ा। देखो ध्वनि ध्वनि काके बोले? ध्वनि हे मुखेर कथा सब छोट अंश हे ध्वनि। और ये ध्वनि कटी भाग? ये ध्वनि दूटी भाग, एक हे स्वरध्वनि अपरटी हे व्यंजन ध्वनि। स्वरध्वनि काके बोले? जे ध्वनि देखो दिया स्वरध्वनि जे ध्वनि निजे निजे उच्चारित है ताके आमरा बोली स्वरध्वनि। और व्यंजन ध्वनि जे ध्वनि स्वरध्वनि सहाज्य छाड़ा उच्चारित है ना ताके आमरा बोली व्यंजन ध्वनि। ये स्वरध्वनि और व्यंजन ध्वनि तुम्हारा पढ़े शुद्ध ध्वनि काके बोले, ध्वनि कई प्रकार की ठीक है। तारपर देखो वर्ण, वर्ण काके बोले? वर्ण काके बोले बोलेछे जे ध्वनि सहाज्य कथा बोला जाए किन्तु लिखते गेले आमादेर ध्वनि काजे लागे ना, कतगुलि चिह्न प्रयोजन है। चिन्ह छाड़ा चिन्ह सहाज्य छाड़ा वर्ण लेखा जाए ना। तो चिन्हगुलि के बला है कतगुलि चिन्ह सहाज्य नीते हैं और से चिन्हगुलि के आमरा बोले थाकि वर्ण। ताहले कि बोलबे जे ध्वनि ध्वनि सहाज्य कथा बोला जाए किन्तु लेखा जाए ना, किन्तु लेखार जन्य जे चिन्हगुलो व्यवहार करा है से चिन्हगुलोके आमरा बोले थाकि वर्ण। ये वर्णेर कटी भाग? दुटी भाग, स्वरवर्ण और व्यंजन वर्ण। और ये स्वरवर्ण और व्यंजन वर्ण के मिलिए एकत्रे बला है व्यंजन मान ये वर्णमाला। जेमन आमरा जेनेछि जे 11टी स्वरवर्ण और 40टी व्यंजन वर्ण, मोट वर्ण हच्छे 51टी, एदेरके एकत्रे बला है वर्णमाला। ताहले वर्ण कय प्रकार? वर्ण दुई प्रकार, स्वरवर्ण और व्यंजन वर्ण। एबार स्वरवर्ण काके बोले? आमरा जानि जे जे वर्ण उच्चारण करते गेले कोनो वर्णेर साहाज्य लागे ना ताके आमरा स्वरवर्ण बोली, बा जे वर्ण निजे निजे उच्चारित हय ताके आमरा स्वरवर्ण बोली। और व्यंजन वर्ण जे वर्ण स्वरवर्ण छाड़ा उच्चारण करा जाए ना ताके आमरा बोली व्यंजन वर्ण। ताहले देखो एखाने देया आछे बोये स्वरवर्णेर दुटी भाग कि कि? ह्रस्व उच्चार और दीर्घ उच्चार। ह्रस्व उच्चार काके बोले? जे वर्ण उच्चारण करते गेले कम समय लागे ताके आमरा बोली ह्रस्व उच्चार। और दीर्घ उच्चार जे वर्ण उच्चारण करते गेले बेशी समय लागे ताके बला हय दीर्घ उच्चार। ताहले तोमरा एखाने पढ़बे वर्ण काके बोले और वर्णेर कटी भाग, कि कि? स्वरवर्ण और व्यंजन वर्णेर संज्ञाटा आर किछु पढ़ते हबे। एबार देखो आमादेर एई सबटा पढ़ा आछे पद। पदटा देखो पद पद काके बोले? पद काके बोले? তাহলে আমাদের জানতে হবে পদ কাকে বলে। দেখো এখানে পদ কাকে বলে বলেছে যে বাক্যের মধ্যে অর্থপূর্ণ বিভক্তিযুক্ত শব্দকে পদ বলে। তাহলে পদ কাকে বলে? বাক্যের মধ্যে শব্দকে পদ বলে। তাহলে এই পদের কয়টি ভাগ? এই পদের পাঁচটি ভাগ। তাহলে পদ পাঁচ প্রকার। সেগুলো কি কি? তাহলে পদ পাঁচ প্রকার কি কি? দেখো বিশেষ্য, বিশেষণ, বিশেষ্য বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া। তাহলে পদ কাকে বলে? বাক্যের মধ্যে অর্থপূর্ণ বিভক্তিযুক্ত শব্দকে পদ বলে। পদের পাঁচটি ভাগ বিশেষ্য বিশেষণ সর্বনাম অব্যয় ক্রিয়া। তোমরা এই পদ কাকে বলে আর এই পাঁচটি ভাগ তোমরা ভালো করে মুখস্থ করো, আর কিছু করতে হবে না।